नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वी 90.8 एफएम और आज हमारे साथ सुपरिटेंडेंट पुलिस श्री ज्ञान चंद्र यादव साहब हैं। भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी और सीआरपीसी एक बहुत बड़ी हमारे भारत की बहुत पुरानी ये न्याय की पद्धति रही है और 1 जुलाई से अभी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो हमारे साथ आदरणीय सुपरिटेंडेंट पुलिस जालोर हैं और पर्टिकुलर पुलिस के संबंध में ये जो अपनी न्याय प्रक्रिया में जो बदलाव आया है उसके परिप्रेक्ष्य में क्या पुलिस में नए परिवर्तन हुए हैं, उससे क्या लाभ हैं और हानियां तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रत्यक्ष प्रथम दृष्टा आपको कैसा लगता है कि इससे क्या सुविधाएं होने वाली है या क्या असुविधा थोड़ी सी हमको झेलनी पड़ सकती है? 90.8 का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आज भारतीय न्याय शास्त्र, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो भारत सरकार ने पुराने जो हमारे कानून थे उन कानून के स्थान पर आज से लागू हो गए और इसके क्रम में हमने पुलिस बल के अधिकतर हमारे साथियों को प्रशिक्षण करवा दिया है और बाकी सबको ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी पुलिस कर्मियों के साथ व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा, मेरे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और CO द्वारा थाने में जाके ब्रीफ किया जा रहा है तथा समाज के लोगों CLG के माध्यम से, ग्राम रक्षक दल के माध्यम से और सब सुरक्षा सखी पुलिस मित्रों के माध्यम से हम इस कानून का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपने सही पूछा कि ये कानून बहुत ही बेहतर है क्योंकि इस कानून के अंतर्गत जो एक तो ये आम जन में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए, ठोस साक्ष्य एकत्रित करने के लिए ई साक्ष्य एकत्रित करने का प्रावधान किया गया है जिससे कि व्यक्ति को केंद्र में रख के उसको त्वरित न्याय मिले और उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं रहे, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंतर्गत जो कानूनी प्रक्रिया है उसके कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि जो अपराधी है उसको भी प्रतिशोध की भावना से नहीं देखते उसमें पुनर्वास का भी किए जाने का भी प्रयास किया गया है, इस कानून में प्रावधान किया गया है। और तीसरा, इस कानून के अंतर्गत कोई भी महिला है, बच्चे हैं जो FIR दर्ज कराने से झिझकते हैं उनको ऑनलाइन FIR कराने का लीगल प्रोविजन दिया गया है तथा कोई व्यक्ति कहीं भी अपने जियो FIR दर्ज करवा सकता है और जो छोटे प्रकरण हैं या जिन प्रकरणों में आपसी मनमुटाव की वजह से हैं, पारिवारिक प्रकरण हैं, उनमें 14 दिन तक CO के वरिष्ठाधिकारी की परमिशन से SHO उनको जांच में रखे तदुपरांत प्रकरण दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो कार्य हैं ये न्यायिक अवधारणा के संबंध में पीड़ित को केंद्रित रखते हुए त्वरित न्याय देने के लिए तथा डिजिटल साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और महिला और बालिकाओं के लिए जो हैं विशेष प्रावधान किया जाया गया है, साथ में ही जो देश की सुरक्षा से संबंधित जुड़े विषयों को भी इसमें गंभीरता से ऐड किया गया है। अपने बहुत रिमोट थाने हैं, आपका जिला बहुत बड़ा जिला है भौगोलिक क्षेत्र से देखा जाए, हमारे, आपने सही पूछा, हमारे जो इसमें प्राथमिक दृष्टि से कुछ जिलों में आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो VC के माध्यम से ये संदेश दिया है और माननीय DGP सर ने बताया है कि भी करीब 10 जिलों में तो हमारे FSL की टीम लगा दी गई है, लेकिन जो साक्ष्य एकत्रित किए जाने उनके लिए सभी मैंने जो मेरे थानों में व्यक्तिगत रूप से मीटिंग लेगी सभी हमारे कर्मचारियों का एंड्रॉयड फोन है और उसको इतना सरलीकृत किया गया है कि वो मौके पर जाएगा, घटना स्थल की फोटोग्राफी अपलोड करेगा, घटना पे जो अपराधी से पूछताछ कर रहा है या जो घरों के बैनर हैं उनके बयान को अपलोड करेगा, साथ में जो उसकी वहाँ से कुछ सीज किया है उसने एक साक्ष्य उसको करके अपलोड करेगा। तो ये आज सभी के पास में मोटे तौर पर एंड्रॉयड फोन उपलब्ध है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ जैसे हमारे फिंगरप्रिंट ब्यूरो है मेरे पास में, एक MOB हमारी यहाँ संस्था है जो कि गंभीर प्रकृति के 7 साल से अधिक अपराध है उस पर मैं पहले ही भेजते थे, हम भेजेंगे और एक टीम बनाई हमने थाने वाइज ताकि वो टीम जाके इस साक्ष्य को, डिजिटल साक्ष्य को एकत्रित करे और उसको मौके पर ही सीज करके और एकत्रित करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए ताकि उसको सजा मिल सके। एक छोटा सा प्रश्न और सहज भाव यहाँ पैदा होता है कि जैसे अभी अलाउ कर दिया कि अपन मोबाइल फोन के माध्यम से भी FIR दर्ज करवा सकते हैं, तो जो आम आदमी जो कई कई बार भावना में आकर के भी FIR दर्ज करवा लेता है जिसकी जरूरत नहीं होती है, फर्ज या
बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसके अंदर कानून प्रावधान किया गया है कि मोबाइल से की गई एफआईआर के 3 दिन तक उसको आना पड़ेगा, वहाँ साइन करने पड़ेगा। नंबर वन, नंबर टू, उसको भी 15 दिवस तक, मैंने बताया 15 दिवस तक, 15वें दिन तक उसको SHO CO की परमिशन तक जांच में रख सकता है। यदि ऐसा लगता है तो वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर देगा कि इसमें कोई इलीगल ऑफेंस नहीं बन रहा है, इसलिए FIR दर्ज नहीं की जाएगी। और यदि SHO जांच के अंदर, SHO और जो थाने का स्टाफ जिसको जांच दी जाएगी, वो यदि उसके अंदर ये जांच पाया जाता है कि इसमें संज्ञेय अपराध का घटना घटित होना पाया गया, तो उसमें FIR रजिस्टर हो जाएगी। तो उसमें स्क्रूटनी का टाइम दिया गया आपको 15 दिवस का। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को इतनी सुंदर बात बताई। थैंक यू। और वैसे भी आप तो जिला इतना बखूबी संभाल रहे हैं, हमारा जिला वैसे तो शांत है, लेकिन नासा और उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपको और इसी तरह से। थैंक यू, मैं रेडियो V1 90.8 को धन्यवाद।